नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, तो क्या तैयार है आप सब एक मज़ेदार और स्वादिष्ट खाने के सफ़र के लिए। दोस्तों आज हमारा खाने का सफ़र हमें मुंबई की इन तंग गलियों में, इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच ले आया है एक ऐसी जगह जिस जगह का रिक्वेस्ट आप में से बहुत लोगों ने किया है कि सर आप ये वाला खाना हमें ज़रूर दिखाइए। तो ये हमारे उन YouTube फैमिली मेम्बर्स के लिए व्लॉग है जिन्होंने इस खाने की डिमांड की थी, और यहाँ पर मैं एक खास फैमिली मेम्बर का नाम लेना चाहता हूँ जिनका नाम है नम्रता बलानी। सो नम्रता, दिस व्लॉग इज स्पेशली फॉर यू ऑन योर रिक्वेस्ट, क्योंकि आप वो लाइव चैट पे आकर एक क्यूट सा चैलेंज भी जीती थी। तो दोस्तों सस्पेंस खोलते हैं, आज मैं आया हूँ सो सिंधी रेस्टोरेंट में आप लोगों को मुंबई में मिलते हुए सिंधी खाने का कुछ मज़ा दिलाने। तो चलते हैं अंदर और खाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया सिंधी खाना और आपके साथ शेयर करते हैं, आ जाइए। Hello Gaurav. Hi Sanjeev, how are you? I'm very good to have you here. Thank you so much. Hello friends, welcome to So Sindhi. Okay, so दोस्तों ये है गौरव, ये इस छोटे से प्यारे से सिंधी रेस्टोरेंट को चलाते हैं यहाँ पर। और गौरव मैं आपको बात बताऊँ, मैंने इतना ढूंढा इस एरिया में और मुझे सिंधी खाना इतना पसंद है और कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स को भी बहुत पसंद है। ढूंढ ढूंढ के मैंने जगह ढूंढी और क्या रिव्यूज है आपके खाने के लिए। एक महीने में आपने इस पूरे एरिया में आपका नाम इतना अच्छा हो गया कि मैं जिसको भी पूछूं कि सिंधी खाना खाने कहाँ जाऊँ, कहते हैं सो सिंधी जाइए। दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इधर आइए। तो गौरव आज हो जाए कुछ सिंधी, आप बैठिए। ओके, आज आपको हम सिंधी खाने पे जर्नी पे लेके चलते हैं। क्या बात है, चलो आई कांट वेट। तो दोस्तों ये देखिए, गौरव ने मेरे सामने सिंधी फीस्ट का एक छोटा सा, ये कह रहे हैं एग्जांपल है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो गौरव ये क्या सिंधी स्टार्टर्स हैं, क्या कह सकते हैं? दीज आर बेसिकली ऑल डे ब्रेकफास्ट। ओके, सो वी सिंधीज ऑफ कोर्स लव आवर पकोड़ास, वी लव आवर छोले पैटिस, दाल पकवान इज अ वेरी आइकॉनिक डिश एज वेल। कोकी हर घर में खाई जाती है। yes. हम ब्रेकफास्ट कोकी सिमिलर लाइक पराठा ना, इट्स हाँ पराठे जैसे ही होता है। अच्छा। बस बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग okay. होता है, प्रीडोमिनेंटली विद अनियंस, एंड हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी भी चीज के लिए कोकी खा सकते हैं। क्या बात है, तो कहां से शुरू करें? सो प्लीज आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद द कोकी। कोकी वी विल देन मूव टू, आप शेयर कीजिए ना प्लीज सर। ओके, साथ में आपने दिया है ये अचार, ये अचार है, एंड सिंधीज कांट कंप्लीट अ मील विदाउट अ पापड़। हाँ, सिंधी और पापड़ तो देखो सिनोनिमस। सिनोनिमस। इवन जो अचार हम यूज करते हैं सर, हम अनियंस की अचार बहुत खाते हैं। ओके, ये प्याज का अचार है जी, मुझे नींबू लग रहा था जी, ये प्याज का अचार है। इफ यू सी छोटा सा, ये देखिए दोस्तों छोटा सा प्याज है और ये प्याज का अचार है, क्या बात है। ये भी मतलब सिंधी घरों में चलता है प्याज का अचार। जो देयर आर, इसके दो वेरिएशन होते हैं, एक होता है जो ऑयल में बनता है, एक काफी वाटरी लिक्विड में भी बनता है। अच्छा। बट उसकी लॉन्जिविटी ज्यादा नहीं होती, बॉम्बे का वेदर उसके लिए सूट नहीं करता। जैसे जाते हैं सिरके में पड़ा होता है प्याज, जी जी वो प्याज की बात कर रहे हैं। ओके, सो वो ये है कि वो या तो रोज फ्रेश बनाइए आप, वो दो तीन दिन के ऊपर चलेगा नहीं। अच्छा। बट इस अचार की लॉन्जिविटी ज्यादा रहती है, खराब नहीं होता। I love the cookie. है ना? इसमें मतलब ये आटा बेसन आटा अनियंस धनिया, अच्छा अखा धनिया, अब अखा धनिया मुझे दिख रहा है जी, थोड़े अनारदाना, ब्लैक पेपर, मतलब बेसिकली खड़े कुछ पाउडर नहीं है, थोड़े यस यस मसाले डाले, सो इट्स गॉट अ नाइस बाइट टू इट। ओके, ये दही के साथ भी मजा आएगा मुझे, दही के साथ भी बहुत मजा आता है जी। बहुत लोग इसको दही के साथ, रायते के साथ, हम इसको सब्जी के साथ भी खाते हैं लोग, बट The right way to eat it is this with a cup of tea. वाह, सही है, कमाल है। Actually सब्जी क्या खाए ना, तो खाने का वो जो taste enhance हो जाएगा इससे। Correct. Simple फुलके के बदले अगर ये खा लिया, मजा आ जाएगा। Oh God, wait. तो दोस्तों कोकी का मजा ले लिया पूरा, नहीं अभी खाएंगे बाद में। अब ये मेरे सामने the famous सिंधी dish दाल पकवान, चलो शुरू करते हैं। सर तो दो तरीके होते हैं दाल पकवान खाने के। अच्छा। कुछ लोग उसे तोड़ के दाल के साथ खाते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि मैं दाल पे थोड़ी सी आपको चटनी। ओके, क्या बात है, ये कौन सा, ये ग्रीन चटनी। ओके, क्या बात है, एंड वी टेक अ लिटिल बिट ऑफ प्याज। ऑलराइट, ओहो, एंड दैट इज द राइट वे टू ईट सिंपल सी दाल को तो आपने क्या बना दिया है। सर प्लेन चना दाल होती है पकवान के साथ, या तो कुछ लोग इसे चिप एंड डिप की तरह तोड़ के खाते हैं और कुछ लोग इसको पूरा इस पे स्प्रेड करके। तो मैं कैसे खाऊं, कैसे अच्छा लगेगा? सर पहले तो आप तोड़ के खाइए, फिर हम बाकी का इसमें डाल देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों दाल पकवान जैसे गौरव ने बोला, पहले ऐसे
ब्रेक एंड डिप एंड ईट। ये जो आपने ऊपर डाला ना चटनी और प्याज, ऑल डिफरेंस। ओहो, इट मेड अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस। या इट बिकम सो डिलीशियस, मतलब बोलते हैं ना वो चाट जैसे बन गई है तो। और ये क्रिस्प पकवान साथ में चने की दाल ऊपर से चटनी, ओ है टू गुड। अंदर का प्याज खाया जाए, वेरी गुड। अच्छा अभी वो दूसरा तरीका जी, अभी हाउ यू कैन डू इज द अदर वे इज यू कैन जस्ट स्प्रेड इट ऑल ओवर। क्या बात है, so we nicely spread it। इससे मुझे पता है कि आपने राजस्थान में वो जो लाल मांस खाते हैं वो जवार की भाकरी के ऊपर वो पूरा ऐसे लाल मांस डाल के डाल के खिला के करेक्ट। कल्चर्स कितने मिलते हैं हमारे देश में ना, एक जगह का दूसरी जगह। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो सिंध एंड राजस्थान आर बॉर्डरिंग स्टेट्स टू ईच अदर, सो द कल्चर कैरीज। क्या माल है, अभी इसे ऐसे खाया जाए, ये तो पिज्जा जैसे लग रहा है मेरे को अभी। मतलब एक ही डिश में मुझे चाट का भी मजा आ गया, पिज्जा का भी मजा आ गया, और लाल मांस और जवार भाकरी का भी मजा आ गया। थैंक यू गौरव यार, आई एम ग्लैड यू लाइक इट। तुमने वो तो लव्ड इट तो सही है, बट वो खाने के जो तरीके बताए ना उससे खाने का स्वाद एनहांस हो गया। सर बहुत लोग उस पकवान को चूरा करके भी डालते हैं दाल में, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। आपको वो डिश पता है, चलो फिर एक अमलगमेशन के बारे में बात करते हैं। कोरोटी जी, कोरोटी करेक्ट। वो जो राइस की रोटी को तोड़ के उस पर ग्रेवी डाल के खाई जाती है जी। सही है यार, ये हमारा देश है वैसे कमाल का दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिश की सिमिलैरिटी मिल ही जाती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, द कल्चर इज वेरी इंटरटवाइंड टू ईच अदर। आओ उंगलियां चाट रहा हूँ, मत बोलना क्यों, पता लग गया होगा क्यों। तो दोस्तों अब ये आई बारी सिंधी स्टाइल पकौड़ों की। ओके गौरव, बताइए इन पकौड़ों के बारे में कुछ अभी। सर सो आपको दो पकौड़े टेस्ट करा रहे हैं हम, इन्हें हम सिंधी सना पकौड़ा कहते हैं। सना मीन्स थिन। ओके, सो बेसिकली बेसन के पकौड़े होते हैं। अच्छा। जिसके अंदर थोड़ा अखा धनिया, थोड़ा प्याज, थोड़े मसाले रहते हैं, जिस बेसन के फ्रिटर्स होते हैं। ओके, और ये मिर्च के पकौड़े हैं, बट ये स्पाइसी वाली मिर्च वाली होती है। हाँ जी, और इसमें हम आलू नहीं भरते, हम सिर्फ इसके अंदर ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर का पाउडर भरते हैं बस। यस, और उसको फिर हम फ्राई करते हैं, और ऑफकोर्स चटनियों के बगैर तो सिंधी खाना कैसे। जयपुर में मिर्ची वड़ा, करेक्ट है ना, करेक्ट। सो इट्स सिमिलर, बट बस हम आलू नहीं भरते, आलू नहीं भरते। क्या बात है, तो ये डिप दिए दो। यस, एक ये मीठी होगी और ये ग्रीन जी, तो पहले भी थी तो थोड़ा जो मीठी चटनी भी होती है हमारी, हम डेट्स और इमली की बनाते हैं। अच्छा, तो हम कोई शुगर वगैरह कुछ नहीं यूज करते। ओके, एंड द ग्रीन चटनी ऑफ कोर्स, पुदीना, धनिया, रेगुलर चीजें। कैसा लगा सर? बिल्कुल मस्त, मुझे पता है इसको खा के वो इसका एक दूसरा वेरिएशन मुझे याद आ रहा है, क्योंकि आपने मेरे को इसके इंग्रेडिएंट्स बताया, बेसन का चिल्ला, करेक्ट है ना। हाँ, चिल्ला भी पत्ता सा होता है जी, और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं उसे जी। प्रीडोमिनेंट बेसन का फ्लेवर है, धनिया वगैरह जो मसाले आपने बस बोले, ये क्रिस्पी होता है, डबल फ्राइड रहता है, क्रिस्पी रहता है यार, मजेदार है। सिंधी और पंजाबी खाने में काफी सिमिलरिटीज होती है ना, पकौड़े वगैरह, काफी चीजें है ना, काफी चीजें सिमिलर। सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, दे ऑल intertwined with each other। Yes, absolutely। कहीं ना कहीं borders मिलने के वजह से हाँ कुछ ना कुछ आ ही जाता है यहाँ जी। अब ये दोस्तों मिर्ची का पकौड़ा, आ हा हा, चटनियाँ बड़ी कमाल की हैं यार। थैंक यू सर, वेरी नाइस। गौरव तुझे पता है मैं हरी मिर्च का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, मतलब मैं खाना बिना हरी मिर्च के खाता नहीं हूँ जी, इसलिए मुझे हरी मिर्च की बनी हुई हर चीज़ अच्छी लगती है। बस यही है कि ये स्पाइसी नहीं होती। हाँ, हाँ। कभी कभी कोई मिर्च थोड़ी सी स्पाइसी हो सकती है, बट यूजुअली ये इवन फॉर पीपल हु डू नॉट प्रेफर स्पाइस, उनके लिए भी ये मिर्ची काफी इजीली एडिबल है, मजेदार है। अभी मिर्ची मतलब ऐसे खानी है, सिर्फ मिर्ची के पकौड़े अगर आपके सामने हो तो स्पाइसी हो गए तो कोई खा ही नहीं पाएगा। हाँ। वो डेफिनेटली कम स्पाइसी मिर्ची और मजेदार मिर्ची। वो भैया इतने सारे खिला दोगे, ब्रेकफास्ट आइटम, ऑल डे ब्रेकफास्ट, खाना मिलेगा ना? बस सर बहुत खाना मिलेगा। वो भी खाना है। यू आई होप आपका आज अच्छा एपेटाइट हो, क्योंकि मैं ना जर्नी वाला लाइट नाश्ता करके आया हूँ, ब्रेड पकौड़ा। ओह उसको मैं लाइट बोलता हूँ। अब फ्रेंड्स मेरे सामने आई है ये बटन पापड़ी चाट। व्हाई बटन? सर बटन क्योंकि जो इसमें बेस यूज होता है वो एक्चुअली बेकरी का जो कड़क पाव रहता है बटर। ओके,
उसे यूज किया जाता है। तो हम उसे काट के उसका बेस बनाते हैं, उसके ऊपर आलू और थोड़े फरसान डाले जाते हैं, देन वी पुट द चटनी। अब बिकॉज वो बटन जैसा दिखता है, उल्लासनगर में जहाँ से ये डिश ओरिजिनेट होती है उसे बटन पापड़ी चाट भी कहा जाता है। क्या बात है यार, ये लगने में सेव पूड़ी लग रही है जी, लेकिन नीचे वो सेव पूड़ी की पूड़ी नहीं है। और इसको सर ये द राइट तरीका इज टू सोक इट, ओके, नाइसली विद चटनी, वो यू पुट द चटनी ऑल ओवर इट, ओके। तो अभी ये खाया तो आप इसको सेव पूरी की तरह सकोगे, बट जब इसका बाइट लोगे, बिकॉज ये पूरा पानी अब्सॉर्ब कर देता है बेस, इट रिलीजेस वाटर इन योर माउथ एंड गिव्स यू अ फील ऑफ, ये पानी जो आपने डाला ऊपर से जी, और ये पानी पूरी का पानी ही है, ओके, सेम गोलगप्पे का पानी, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये, पूरी की पूरी जाएगी तो ऐसे ही है कि नहीं? यस। का मैं बाइट ले रहा हूँ, मुंह में एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेवर्स हो रहे हैं मेरे, और नॉवल्टी ऑफ फ्लेवर्स, ओ गॉड यार अब तक कहाँ थे गौरव हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, गौरव अभी इतनी खाने की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एक्चुअली ही इज अ डेंटिस्ट, मेडिकल लाइन छोड़ के इन्होंने अपनी पसंद का काम किया, जो जिनको ये बहुत मतलब प्यार करते हैं, ही इज अ फूडी हिमसेल्फ, तो इन्हें सोचा कि क्यों ना मैं अपना ही खाना जो मैं इतना अच्छा बना भी लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ, मतलब मुंबई शहर में लोगों के साथ शेयर करूं, और इन्होंने शुरू किया ये सो सिंधी। यस सर, क्या बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो आपकी पसंद का काम है ना वो करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, होपफुली। अरे बिल्कुल, ऐसा खाना खिलाओगे तो क्यों नहीं मिलेगी यार। थैंक यू, एंड विद सच लव एंड ऑनेस्टी, क्या बात है। बटन पापड़ी चाट फ्रॉम उल्लासनगर, मजा आ गया, मैं तो इसका पानी पीते जा। तो जैसे यहाँ पे हमें वड़ा पाव और यू नो पानी पूरी आपको हर जगह मिलेगी, इफ यू गो टू उल्लासनगर एवरी कॉर्नर यू विल फाइंड अ बटन पापड़ी चाट वाला। तो वो बेकरी से इतने बड़े बड़े प्लास्टिक में बटर लेकर आते हैं, ओके, और उनके बड़े बर्तन रहते हैं जिसमें चटनियां रहती है, और वो उनको उसमें डिप कर करके डाल के सेव पूरी, मतलब यहां कोने कोने में जो सेव पूरी मिलती रहती है, वड़ा पाव मिलते रहते हैं, वैसे उधर जी बिल्कुल एवरीवेयर। एंड मेरे को इतना सरप्राइजिंग लगता था कि मैं बचपन से खा रहा हूँ, बट मुझे बॉम्बे में ये डिश मैंने पहली बार नहीं मिली जी, मैंने खुद पहली बार कभी नहीं मिली, 50 किलोमीटर दूर भी नहीं है उल्लासनगर, बट यू डोंट जस्ट डोंट फाइंड इट हियर। अभी मैं मुझे उल्लासनगर भी जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने वो कैंसिल कर दिया, पता है उल्लासनगर का खाना इधर ही खिला रहे हो हम अभी सर। बॉम्बे में आपको पता है ट्रैवलिंग का बड़ा प्रॉब्लम, तो मेरा उल्लासनगर को यही लिया, समय भी बचा दिया और वहां जाने के पैसे भी, क्या बात है। दोस्तों टेबल धीरे धीरे खाली होती जा रही है और पेट धीरे धीरे भरता जा रहा है, लेकिन नियत बिल्कुल नहीं भर रही भाई। अब ये क्या चीज है मेरे सामने, पैटिस लग रही है, बताइए अब इसके बारे में, क्योंकि आपकी हर चीज ना कुछ अलग ही निकल रही है, दिखती कुछ और है निकलती कुछ और है सर। तो ये छोले पैटिस है, ओके, आलू की पैटिस है जिसके अंदर हम चना दाल का मसाला भरते हैं। अच्छा, प्लेन चना दाल का मसाला भरा जाता है, गोज रियली वेल विद द छोले, ओके। सो कपल ऑफ वेज टू ईट इट इज यू कैन जस्ट स्क्विश इट अ लिटिल, ओके, या एंड इफ यू वांट टू कट इट ओपन, आपको इसके अंदर इसका मसाला दिखेगा, ये चना दाल दिख रही है आपको, एंड इस पे आप छोले डालिए अच्छे से, दिल्ली चाट बन रही है, सेम प्रोसेस, चटनियों के बगैर तो मजा ही नहीं है। यस, चटपटा तभी तो बनेगा, एंड थोड़ा सा प्याज। तो ये जो डिशेज हमने अभी तक खाई हैं, ये फुल डे मिलती हैं यहाँ पर, फुल डे सुबह 11 बजे से लेकर रात तक, क्या बात है, क्या बात है। वाओ दोस्तों, कभी भी आओ, आके खाओ जो मर्जी खाओ। एक बाइट ले लेता हूँ चम्मच से, बाद में हाथ से खाऊंगा, डाल दिया चम्मच में। चने की दाल का जो आपने डाला ना मसाला, उसने इस डिश को अलग लेवल पे ले गया जी। ये तो ये नॉर्मल सी आलू की टिक्की होती जी, जो दिल्ली वगैरह में या आमतौर पे अपने रोड साइड पे भी मिलती हैं जी, लेकिन ये चने के मसाले ना, चने की दाल के, इसने इस डिश को एक नया ही रंग दे दिया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ डिश के बारे में आप ही बताओ, क्योंकि आपकी डिश मैं कुछ बोल दूंगा तो गलत ही बोल दूंगा इसके बारे में जी। निकल रही कुछ और है, दिख रही कुछ और है, वाह। तो दोस्तों ऑल डे ब्रेकफास्ट से तो शुरू कर दी है, अब ब्रेकफास्ट के बाद हम इमीजिएटली लंच भी कर लेंगे आज जी। तो खाओ दोस्तों, ये था हमारे सिंधी नाश्ते का चटपटा व्लॉग, ऑल डे ब्रेकफास्ट या नाश्ता था बड़ा ही स्वादिष्ट, लेकिन सिंधी खाने का सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा सिंधी लंच, पूरे का पूरा सिंधी खाना, तो बस उस व्लॉग का इंतजार कीजिए, और तब तक खाइए पीजिए ऐश कीजिए, धन्यवाद।